अनुराग ठाकुर जी को अपना सिर नीचे डालना चाहिए, शर्म से शर्मनाक दखना। अगर आप रैली डाल रहे हो, आपको जब लोग इलेक्ट करते हैं तो इसी चीज़ से इलेक्ट करते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, हमारे घर में खाना आएगा, हमारे बच्चों को जॉब मिलेगा, इसलिए नहीं जब इलेक्ट करते हैं कि ताकि आप रास्ते पे जाओ, बंदूक उठाओ और लोगों को गोली मारो। आप जब रैली करते हो कि बोल रहे हो कि देश के दुश्मन को गोली मारो साले को, पहले तो कौन दुश्मन है? जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, जो पीसफुली लड़ रहे हैं, आप उनको दुश्मन बोल रहे हो? किसको कौन दुश्मन कौन है? और जब कॉन्फिडेंस कैसे आता है ये लोगों को गन लेके खुलेआम पुलिस के पीछे? ऐसा लग रहा था कि पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है, ऐसे नहीं लग रहा था कि पुलिस, अगर कोई भी आदमी, अगर आप, इफ यू एवर टोल्ड मी देयर वाज अ मैन हु केम टू द स्ट्रीट्स विद अ गन थ्रेटनिंग टू शूट पीपल, द पुलिस वुड जस्ट बी स्टैंडिंग बाय द साइड, आई वुड आस्क यू इन विच कंट्री? डेफिनेटली नॉट इन इंडिया, डेफिनेटली नॉट इन अ सेक्युलर रिपब्लिक लाइक इंडिया वेयर वी थॉट आवर राइट्स आर सेफ। सो व्हेन यू लुक एट अ सीन लाइक दैट वेयर यू सी द दिल्ली पुलिस जस्ट सिटिंग बाय नॉट डूइंग टेकिंग एनी एक्शन टिल ही शूट समवन, टिल ब्लड इज बीइंग स्पिल्ड, कितने लोगों का खून गिरना चाहिए जब तक सब लोग की दिमाग ठिकाने पर आए कि हम किस लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि हमको इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करना है, फार्मर सुसाइड के बारे में बात नहीं करना है, सही मुद्दे पे बात नहीं करना है, तो हमें जन्म और जात के बीच में हमको बटा रहे हैं, और खून तो सबसे पोरेस्ट का ही गिरेगा, अमीरों का तो कभी गिरता नहीं है, सबसे औरतों का, बच्चों का, सबसे पोर लोगों का ही गिरेगा खून। कितना और खून गिरना चाहिए जब तक हम सब एक साथ आके कहे कि हमारे नाम पे हमको मत बटाओ। हल निकलेगा जब गवर्नमेंट नागरिकों की सुनेगी, हल निकलेगा जब गवर्नमेंट संविधान की तौहीन ना करेगी, हल निकलेगा जब गवर्नमेंट लोकतंत्र की तौहीन ना करेगी, हल निकलेगा जब गवर्नमेंट आके हरे मज़हब की आवाज़ सुनेगी, तभी तो हल निकलेगा। हम तो बैठे हैं कि यही कहने के लिए कि आप संघर्ष, आप आपकी लड़ाई करो, हम भी हमारे अच्छी संघर्ष करेंगे, हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। एक मज़हब की थोड़ी लड़ाई है, सब हर एक मज़हब की लड़ाई है, ये हर एक जो इंसान है जो बोलता है कि मुझे ये भारत देश से प्यार है, उन सब की लड़ाई है। तो हल निकलेगा जब गवर्नमेंट सुनेगी और सही रास्ते पे आएगी वापस। क्या आपको लगता है कि अब CNRC के नाम पे, अब धर्मों, दो धर्म के नाम पे जो है लोगों को लड़ाया जा रहा है? वो तो आप गवर्नमेंट से पूछिए, वो तो आप अनुराग ठाकुर जी से पूछिए जो नारे लगा रहे हैं कि देशद्रोहियों को गोली मारो सालों को। वो तो आप, वो BJP जो मिनिस्टर, जो उनका नाम नहीं आ जा रहा है, जो बोल रहे हैं कि शाहीन बाग के आदमियों आके रेप करेंगे, जो बोल रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री जो लोगों को टर्माइट्स बोलते हैं, हमारे गृह मंत्री जो बोलते हैं सब रिलीजन्स मुसलमान छोड़ के बाकी सब सेफ है, वो आप उनसे पूछिए। हम तो मज़हब देखते नहीं, हम तो, हमारा एक ही मज़हब है भारत देश, हम सभी मज़हब को एक तरह एक एक, एक एक आईने से देखते हैं। आज जो देश में, जो मुल्क में हालात है उसको देख के बड़ा रोना आ रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क पहले ऐसा नहीं था। गंगा जमुना तहजीब से ये मशहूर था, भाईचारे की थी। जब से ये BJP आई, उन्होंने अपनी नफरत की सत्ता चलाई, लोगों के बीच में फूट डाला, रूल एंड डिवाइड किया, और अपनी सत्ता पाने के लिए उन्होंने हद से नीचे गिर चुके हैं। इनके पास कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स, कोई नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। जो ये हुकूमत बैठी है, ये तानाशाही हुकूमत है, और ये जो कर रही है वो डंके की चोट पे बोल के कर रही है। BJP के एक लीडर ने सभा के अंदर खुलेआम बोला था कि गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को, ये उसका ही रिजल्ट है, आप समझ सकते हो। मेरी आज 46 एज हो गई, मैंने इससे बुरे दिन तो नहीं देखे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन ना देखे और इनका यही खात्मा हो। 90 के दशक में भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद हुआ, क्या आपको लगता है कि अब हमारा देश उसी मोड़ पे खड़ा है जहां अब जो है सब सारी चीज़ें फिर उभर कर सामने आ रही हैं? सत्ता की राजनीति तो यही है, वो करवाना यही चाह रहे हैं, लेकिन लोग इतने समझदार हो गए, उनको पता चल गया है कि ये हिंदू मुसलमान करा के हमारे बीच में फूट डालेंगे और अपनी सत्ता बचाएंगे, तो हम अब समझदार हो गए, हम अब लड़ना नहीं चाहते। लेकिन हालात तो उन्होंने ऐसे ही बनाए कि यहाँ हिंदुस्तान में अब कभी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बैठे हुए सबों की मांग यही है कि ये जो CAA एक्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता ही है। दैट्स वाई वी वॉन्ट कि ये वापस हो जाए। रही बात आगे, कुछ हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि जज जो है वो माहौल का जायज़ा लेकर और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला निकालेगी, तो हमें उसका ही वेट है। जब तक फैसला नहीं आ जाता हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए आप, जैसे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स जैसे हमारे इंडिया में ऑलरेडी चल रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वुमेन्स क्राइम रेट जो घटने की बजाय और बढ़ते चले गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये धर्म को लेकर बीच में हमें तोड़कर
मुद्दों से भटका देते हैं, क्योंकि जब बात आ जाती है ना धर्म की, तो फिर वो सारे प्रॉब्लम्स भूलकर ये धर्म के आधार पे आपस में अफरा तफरी मच जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि बिल्कुल धर्म के आधार पर हमें ये तोड़ते हैं और जनता के सवालों से ये बचते हैं इस तरह से। NRC के बारे में हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक ये रिजेक्ट नहीं होता है, यानी सरकार वापस नहीं लेती, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। और हमारी अपील है, ये खाली हमारी बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों की बात है, हिंदुस्तान के हर शहरी की बात है कि सब इस तकलीफ में हैं। तो हम सबकी तरफ से आपसे अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को आप वापस लें, और जब तक नहीं वापस हो तब तक हम यहाँ हैं। विधान की बात थी, 71 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ये पूरा चेंज करने की बात हो रही है। तो इसलिए हर एक भारतीय को ज़रूरी है, जो इंडियंस हैं ज़रूरी हैं, सबको इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए, सबको जमा होकर इस बात को कहना चाहिए, गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए इस चीज़ को आप वापस लीजिए। कि राजनीति से हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हम घरेलू औरतें हैं, हम लोगों को लगा कि गलत है, हम सबके लिए सब औरतें हर कास्ट की औरतें आ रही हैं, लेडीज़ आ रही हैं, बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, लड़कियाँ लेडीज सब लोग आ रहे हैं। तो हम लोग धर्म की बात, ये धर्म की बात ही नहीं है, और ये पॉलिटिक्स के में हम लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना, हम चाहते हैं कोई इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारे घर लेडीज लोग की बात है ये। आपकी आवाज़।